नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जातीय एवं जनजातीय के ऊपर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस डालते रहते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर जिले के अंदर सिरवी जाति अधिकांश पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है, जैनी, थोरी, भील या सहरिया? दोस्तों, जो थोरी जनजाति है यह पाबूजी की अनुयायी होती है। कौन सी जाति? थोरी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होता है, भील, मीणा, खतौड़ी या कोतवाल? तो यह रणघोष दोस्तों भील जनजाति का होता है। कौन सी जनजाति का? भीलों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है, सहरिया, मीणा, जैनी या थोरी? दोस्तों, धारी जो संस्कार है यह सहरिया जनजाति से प्रचलित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसमें पूर्ण साक्षम घोषित किया गया? डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति से मुखिया क्या कहलाता है, गोंड, कोतवाल, कथोड़ी या मीणा? तो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है दोस्तों कोतवाल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीत जाति कौन सी है, लंगा जाति, प्लास जाति, टोपा जाति या गोपना जाति? आंसर होगा लंगा जाति। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? लंगा जाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का जिले की कुल जनसंख्या में अनुपात सर्वाधिक होगा? दोस्तों, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, जोधपुर। आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर होने वाला है आबू रोड, सिरोही के अंदर ग्रासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले के अंदर। जो कथोड़ी जनजाति है यह राजस्थान के अंदर दोस्तों उदयपुर जिले में केंद्रित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के गांवों के मुखिया कहलाता है, जो भीलों का गांव होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गमेती जो होता है भीलों के गांवों का मुखिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः पाई जाती है। तो दोस्तों, जो पड़ियार मीणा जनजाति है यह टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी के अंदर पाई जाती है। कौन सी? पड़ियार मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में विश्नोई समुदाय बहुतायत पाया जाता है? तो दोस्तों, यह विश्नोई समुदाय उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। राजस्थान के कौन से भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन, भीलों के घर कहलाता है, जो भीलों का घर होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, झोपड़ा, मकान, छपरा या टापरा? तो भीलों का जो घर होता है ऑप्शन नंबर डी टापरा कहलाता है। भीलों के घर को क्या कहेंगे? टापरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंडा खंडों में किस जनजाति का बहुमूल्य है, मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया? तो मंडा खंडों में दोस्तों मीणा जनजाति का बहुमूल्य होता है। अगला क्वेश्चन, भीलों के ग्राम को क्या कहते हैं, जो भील जनजाति है उसके गांव को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उनके गांव को बोला जाता है फला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फला, भीलों के ग्राम को फला कहते हैं। घोड़ा वापसी देवता किस जाति का है? अगला क्वेश्चन है, घोड़ा वापसी देवता किस जाति का है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति का घोड़ा बावसी देवता होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू तो कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों का पालन नहीं करती है? तो दोस्तों, मेर जनजाति जो है ये अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन नियमों का पालन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो दोस्तों, जो भील होते हैं अपने आप को ऑप्शन नंबर डी महादेव जी का वंशज मानते हैं। भील किन के वंशज हैं? महादेव जी के। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नागौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर जनजातियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है।